गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमी अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न को देखेंगे जो छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा विगत वर्षों में पूछा गया है। इस वीडियो में हम 2016 से लेकर 2022 तक का अर्थशास्त्र का सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यह वीडियो आने वाली सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैंने जितना भी प्रश्न लिया है वो सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया विगत वर्ष का प्रश्न है। इसमें का प्रायतः सभी प्रश्न 3 से 4 बार सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें ताकि आपका इकोनॉमी से एक भी प्रश्न ना छूटे। यह इसका पार्ट पहला है, इसका एक पार्ट और आएगा। जो प्रश्न बचा हुआ है वो दूसरा पार्ट में पूरा कवर कर लिया जाएगा। यह वीडियो आपका सीजी व्यापम, सीजी एसआई, हॉस्टल अधीक्षक, वन रक्षक, छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होते हैं उस सभी एग्जामों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्न यहीं से आसपास से पूछा जाता है। तो वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को अवश्य दबाएँ। धन्यवाद। चलो तो वीडियो को हम लोग याद स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? ए सामाजिक, बी आर्थिक, सी बहुआयामी, डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्धनता आपका ऑप्शन सी बहुआयामी प्रकार की समस्या है। प्रश्न दूसरा है, जननांकी संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को बतलाती है? तो ऑप्शन है प्रथम अवस्था, बी द्वितीय अवस्था, सी तृतीय अवस्था, डी चौथी अवस्था। तो जननांकी संक्रमण की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को बतलाती है ऑप्शन बी द्वितीय अवस्था। प्रश्न तीसरा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ए बी एन गाडगिल, बी बी के आर वी राव, सी सी एन वकील, ऑप्शन डी पी सी महालनोबिस। तो इसका ऑप्शन है डी, पी सी महालनोबिस ने तैयार किया था दूसरी पंचवर्षीय की योजना। प्रश्न चौथा है, भारत में योजना आयोग कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन डी है ए 1948 में, बी 1949 में, सी 1950 में या डी 1951 में। तो भारत में योजना आयोग आपका ऑप्शन सी 1950 में स्थापित किया गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? यहाँ पर बोला जा रहा है प्रश्न में मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन है ए मूल्य के स्थिरीकरण, बी मूल्य का हस्तांतरण, सी मूल्य का संचय, डी मूल्य का मापन। तो इसका सही ऑप्शन है ए मूल्य के स्थिरीकरण, मुद्रा का कार्य नहीं है। प्रश्न छः, सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस सन में मनाया गया है? ऑप्शन दिया है ए 1962, बी 1970, सी 1980, डी 1975। तो सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष आपका सन 1975 में मनाया गया था ऑप्शन डी। प्रश्न सात है, मिश्रित जाति का अर्थ होता है? ए संस्कारित जातियाँ, बी असंस्कारी जातियाँ, सी वर्ण संकर, डी कोई नहीं। तो मिश्रित जाति का अर्थ है ऑप्शन सी वर्ण संकर। प्रश्न आठ है, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए नया आधार वर्ष है? ए 2002-03, बी 2003-04, सी 2004-05, डी 2005-06। तो वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए नया आधार वर्ष है आपका ऑप्शन सी 2004-05। प्रश्न नौ है, सीमांत उपयोगिता हास नियम का उपयोग होता है? ए उपभोग के क्षेत्र में, बी उत्पाद के क्षेत्र में, सी विनिमय के क्षेत्र में, डी वितरण के क्षेत्र में। तो इसका सही ऑप्शन है ए उपभोग के क्षेत्र में। प्रति व्यक्ति आय संबंधित है, यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
आप जिसका ऑप्शन दिया ए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से, बी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से, सी प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय संबंधित है ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय से। प्रश्न 11 है, भारत सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है। ऑप्शन है ए 2010-11, बी 2011-12, सी 2004-05, या डी 2005-06। तो किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है, ऑप्शन बी 2011-12। प्रश्न 12 दिया है, भारत में कौन सी संस्था समाप्त कर दी गई है। ए योजना आयोग, बी वित्त आयोग, सी भारतीय खाद्य निगम, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कौन सी संस्था समाप्त कर दी गई है, ऑप्शन ए योजना आयोग को। प्रश्न 13 है, उपभोग के आधार पर किसने राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया है। ए अल्फ्रेड मार्शल, बी ए सी पीगो, सी फीसर, डी पी सी महालनोबिस। तो इसका आंसर है सी फीसर ने। प्रश्न 14, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, बी योजना आयोग, सी वित्त आयोग, डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। प्रश्न 15, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स की प्रकृति क्या है। ए अनुपातिक कर, बी प्रतिगामी कर, या सी प्रगतिशील कर, या डी अधोगामी कर। तो प्रत्यक्ष कर की प्रकृति क्या होती है, तो इसका सही आंसर है सी प्रगतिशील कर। प्रश्न है, निम्न में से किसे आर्थिक विकास में शामिल नहीं किया गया है। ए स्वास्थ्य सेवाएं, बी परिवहन एवं संचार, सी ऊर्जा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो आपका ऑप्शन है ए स्वास्थ्य सेवाएं, बाकी आपका परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, ये सभी शामिल हैं। प्रश्न 17, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्यालय स्थित है। ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी हैदराबाद में, डी कानपुर में। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय है आपका ऑप्शन बी दिल्ली में। प्रश्न 18 दिया है, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है उस समय क्या होती है। आपका ऑप्शन दिया है ए सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, बी सीमांत उपयोगिता घटती है, या सी सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, या डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही ऑप्शन है बी सीमांत उपयोगिता घटती है। प्रश्न 19 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO, सी योजना आयोग, डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना आपका ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी। प्रश्न 20, एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है। ऑप्शन दिया है यहाँ पर ए मानव विकास सूचकांक में सुधार, बी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सी शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि, या डी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो इसका सही आंसर है ए मानव विकास सूचकांक में सुधार। प्रश्न 21, भारत में कौन सी बेरोजगारी दर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ए सामान्य स्थिति बेरोजगारी दर, बी साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी दर, सी दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर, या डी उपयुक्त सभी।
तो भारत में कौन सी बेरोजगारी दर अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन सी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर। प्रश्न 22, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के संबंध में कौन सा अभिकथन सही है? कृषि के संबंध में कौन सा अभिकथन सही है? ऑप्शन दिया ए, अर्थव्यवस्था की रीढ़, बी अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, सी लोगों की जीविका का प्रमुख स्रोत, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के संबंध में कौन से अभिकथन सही है? तो ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रश्न 23, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक क्या है? ए विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, बी अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का रक्षित कोष, डी विशेष आहरण अधिकार। तो भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार का सबसे बड़ा घटक है आपका ए विदेशी मुद्रा संपत्तियां, ऑप्शन ए। प्रश्न 24 है, भारत में पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? ए 1880, बी 1881, सी 1885 में, डी 1890। तो इसका सही आंसर है बी 1881 में। प्रश्न है 25, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ? ऑप्शन दिए ए 1947 में, बी 1950, सी 1952, डी 1954। तो भारत का योजना आयोग आपका ऑप्शन बी 1950 में स्थापित हुआ था। प्रश्न 26, कृषि की उन्नति के लिए किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति शुरू की गई थी? ऑप्शन दिए है ए पहली, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी तीसरी, डी चौथी। तो इसका सही ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न 27, कृषि मूल्य नीति के लिए एक उपकरण के रूप में न्यूनतम समर्थन कीमत MSP को किस वर्ष में घोषित किया गया था? ए 1947, बी 1952, सी 1965, डी 1970। तो इसका आंसर है सी 1965 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय कही जाती है? ए सकल घरेलू उत्पाद की कीमत, बी शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत, सी सकल राष्ट्रीय आय, या डी शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो किसे राष्ट्रीय आय कही जाती है? तो ऑप्शन डी शुद्ध राष्ट्रीय आय को। प्रश्न 29, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? ऑप्शन दिए है ए 1966 से 69 की अवधि, बी 1978 से 80 की अवधि, सी 1980 से 92 की अवधि, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए 1966 से 69 की अवधि को भारतीय नियोजन में योजना अवकाश कहा जाता है। प्रश्न 30 है, हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? ए स्व लाल बहादुर शास्त्री, बी स्व इंदिरा गांधी, सी मोरारजी देसाई, डी नरसिम्हा राव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्व इंदिरा गांधी। प्रश्न 31 है, कृषि भारत की आत्मा है यह कथन किसने दिया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल। तो कृषि भारत की आत्मा है यह कथन ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने दिया था। प्रश्न 32, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया है? ए 1973, बी 1991, सी 1997, डी 2000। तो इसका सही आंसर है डी 2000 में लागू किया गया था। प्रश्न 33, भारत के लिए धारित विकास लक्ष्य के अंतर्गत 2030 तक मातृत्व मृत्यु अनुपात में प्राप्ति का क्या लक्ष्य है? ए 65, बी 70, सी 80, डी 85।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 70। प्रश्न 34 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ए न्यून प्रति व्यक्ति आय, बी सकल घरेलू उत्पाद की न्यून वृद्धि दर, सी कुछ लोगों के हाथों में धन का केंद्रीकरण, डी उच्च निर्भरता अनुपात। तो इसका आंसर है बी सकल घरेलू उत्पाद की न्यून वृद्धि दर। बाकी आपका न्यून प्रति व्यक्ति आय, कुछ लोगों के हाथों में धन का केंद्रीकरण, उच्च निर्भरता अनुपात या भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। प्रश्न 35 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है। ए अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, बी अविकसित अर्थव्यवस्था, सी विकसित अर्थव्यवस्था, डी विकासशील अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति है विकासशील अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी। प्रश्न 36 है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता पर क्या प्रभाव होगा। ए कुल उपयोगिता घटने लगती है, बी कुल उपयोगिता बढ़ने लगती है, सी कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, डी कुल उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो इसका आंसर है सी कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। प्रश्न 37, अर्थशास्त्र को सीमितता या दुर्लभता का विज्ञान किसने परिभाषित किया था। ए एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी रॉबिन्स, डी जे के मेहता। तो इसका सही आंसर है सी रॉबिन्स ने। प्रश्न है, भारत में ये किसने किसे भारी एवं आधारभूत उद्योग जाना जाता है। ए सूती वस्त्र उद्योग, बी चीनी उद्योग, सी जूट उद्योग, डी लौह एवं इस्पात उद्योग। तो इसका आंसर है डी लौह एवं इस्पात उद्योग को। भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत कितनी दरें निर्धारित की गई है। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत 4 दरें निर्धारित की गई हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न 40 है, भारत में बड़े नोटों का विमुद्रीकरण का क्या लक्ष्य था। ऑप्शन दिया है ए काला धन को समाप्त करना, बी जाली मुद्रा को बाहर करना, सी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, डी उपयुक्त सभी। तो भारत में बड़े नोटों का विमुद्रीकरण का लक्ष्य था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। काला धन को समाप्त करना भी था, जाली मुद्रा को बाहर करना, डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा देना था, तो उपयुक्त सभी आंसर। प्रश्न 41 है, हरित क्रांति शब्द का उपयोग पहली बार किसने किया था। ऑप्शन दिया है ए विलियम गाद, बी एम एस स्वामीनाथन, सी नॉर्मन बोरलॉग, डी आर एच रिचारिया। तो हरित क्रांति शब्द का उपयोग पहली बार ऑप्शन ए विलियम गाद ने किया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। ऑप्शन दिया है ए अप्रैल 2001, बी मार्च 2002, सी अप्रैल 2002, डी जून 2003। तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2001 में जारी किया गया था, ऑप्शन ए। प्रश्न 43 है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ऑप्शन ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड में। प्रश्न 44 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है। ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी योजना मंत्री, डी विपक्ष के नेता। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है आपका ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। प्रश्न 45 है, भारत में कृषि के संबंध क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया जाता है। ए फसलें, बी पशुपालन के उत्पाद, सी वन से संबंधित उत्पाद, डी मत्स्य पालन। तो इसका आंसर है ए फसलें। प्रश्न 46, सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष
किस सन में मनाया गया था? ऑप्शन दिया है ए सन 1965, बी सन 1970, सी सन 1980, डी सन 1975। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सन 1975 में सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया था। प्रश्न 47 है, भारत में कृषि क्षेत्र में न्यून वृद्धि दर का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए आधुनिक तकनीक के प्रयोग में कमी, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, सी वर्षा की कमी, डी खाद के उपयोग में कमी। तो इसका सही आंसर है बी, सिंचाई सुविधाओं का अभाव है यहाँ। प्रश्न 48 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी चंडीगढ़, सी पांडिचेरी या डी लक्षद्वीप। तो साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है केंद्र शासित प्रदेश में, तो है आपका ऑप्शन डी लक्षद्वीप में। प्रश्न 49 है, कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए गाडगिल फार्मूला अपनाया गया था? ऑप्शन दिया है ए पहली और दूसरी, बी चौथी और पांचवी, सी नौवीं और दसवीं, डी ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अपनाया गया था गाडगिल फार्मूला। आज का लास्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व तो अधिक है आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी। इसका एक पार्ट और आएगा, फिर आपका इकोनॉमी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में, क्योंकि यहीं से अधिकतर प्रश्न पूछा है बार बार एग्जामों में।